फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। आज हम बात करेंगे यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिन एनालिसिस भी बोलते हैं इसे, मूत्र परीक्षण। भाई, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनरल एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ, सामान्य शरीर की मूल्यांकन के लिए ये जांच करते हैं। जनरल एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ, यूरिन एनालिसिस, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ द किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट। डिसऑर्डर ऑफ किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट की जांच करने के लिए कोई बीमारी तो नहीं है यूरिनरी ट्रैक्ट में या गुर्दे में, उसकी बीमारी को पता करने के लिए हमें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता करने के लिए यूरिन एनालिसिस किया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ अदर सिस्टमेटिक डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ अदर जैसे दहक बीमारी और होती हैं आफ्टर किडनी फंक्शन, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी का जो फंक्शन है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, किडनी सही काम कर रही है नहीं कर रही है, इसके बारे में हम पता करने के लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज, डायबिटीज शुगर का पेशेंट है, शुगर के पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं यूरिन एनालिसिस से कि कितना इनपुट आउटपुट हो रहा है बॉडी में शुगर का, तो उसके लिए मॉनिटरिंग करते हैं यूरिन एनालिसिस से। डायग्नोसिस ऑफ जॉइंडिस एंड अदर इन्फेक्शन, पीलिया की जांच और अदर इन्फेक्शन की जांच भी किडनी से की जा सकती है, यूरिन से की जा सकती है किडनी की जांच, और UTI इन्फेक्शन, इसकी सारी जाँचें यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड और गुर्दा से संबंधित जाँचें सारी मोस्टली जाँचें पेशाब के थ्रू की जा सकती हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिन की बात करते हैं, यूरिन इज स्ट्रो कलर्ड लिक्विड एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द बॉडी विच इज सिक्रेटेड बाई किडनी एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा। यूरिन स्ट्रो कलर का लिक्विड है जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी बाहर निकाला जाता है बॉडी से, किडनी जो जिसे बनाती है सिक्रेट करती है किडनी एंड एक्सक्रीटरी थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है ये। तो ये हो गई यूरिन की बात। यूरिन कैरीज वाटर बॉडी प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर आउट ऑफ द बॉडी। यूरिन क्या करती है, वाटर प्रोडक्ट कैरी करती है, वाटर का ज़्यादा मिश्रण है वाटर का यूरिन में, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वेस्ट मटेरियल होता है वो मिक्स होकर फिल्टर होकर किडनी के थ्रू यूरिन में आता है और वो एक्सेस हो जाता है बॉडी से, पास आउट हो जाता है, निकल जाता है यूरिन के थ्रू। ये किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन मेन इकाई है किडनी की, यही यूरिन को फॉर्मेशन करते हैं नेफ्रॉन और कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूरिन कॉन्स्टिट ऑफ यूरिन किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्या क्या कॉन्टेंट्स होते हैं उसके, इसके बारे में बात करते हैं। यूरिन में क्या क्या मात्रा, कितनी कितनी मात्रा किस किस चीज़ की पाई जाती है। अब हम करेंगे बात वाटर की, तो 96% 96% सबसे ज़्यादा वाटर होता है यूरिन में, 4% होता है सॉलिड मटेरियल, ठीक, फिर 2% होता है यूरिया, 96% हो गया वाटर, 4% हो गया सॉलिड, सॉलिड में 2% तो हो गया यूरिया, 2% होगा अदर कंपोनेंट, ठीक है, 2% यूरिया, 2% अदर कंपोनेंट, टोटल हो गए सॉलिड मटेरियल 4%। अब अदर कंपोनेंट में हम बात करते हैं कौन कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होंगे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ऑर्गेनिक क्रिएटिनिन यूरिक एसिड। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन, तीसरा होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करते हैं, कलर, यूरिन का कलर कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, रिएक्शन कैसा है, ऑर्डर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। केमिकल एग्जामिनेशन में अपीयर, फिजिकल में अपीयरेंस आएगा, केमिकल में क्या आएगा, ग्लूकोज की जांच, प्रोटीन, बाइल सॉल्ट, यूरोबिलिन वजन, कीटोन बॉडीज, बिलरुबिन, ब्लड, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सारे केमिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सारे इसमें देखे जाएंगे, और बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, रिएक्शन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिजिकल एग्जामिनेशन में इतने सारे टेस्ट आते हैं। इसमें क्या है, जानिए यूरिन का कलर क्या कहता है आपकी सेहत के बारे में, ठीक है। ओ, यूरिन का कलर के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन में बात चल रही है, तो यूरिन के कलर के बारे में बात करते हैं अभी। कलर, नॉर्मल कलर क्या होता है यूरिन का, स्ट्रो कलर होगा या पेल येलो। पेल येलो और स्ट्रो कलर ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड यूरोबिलिन और यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या होता है, पिगमेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है यूरिन का पेल येलो कलर होता है, स्ट्रो कलर भी होता है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कलर होगा यूरिन का, नॉर्मल कलर तो हो गया पेल येलो या स्ट्रो, ठीक है। अब बात करेंगे एबनॉर्मल कलर की, कलर एबनॉर्मलिटीज। पहला हो गया कलरलेस यूरिन। कलरलेस किस कंडीशन में हो सकती है, या तो डायबिटीज मेलाइटस है, पेशेंट पैथोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, या तो पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर का मरीज है, तब उसे कलरलेस यूरिन हो सकती है, या डायबिटीज इंसिपिडस है, या एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, दो थे पैथोलॉजिकल, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। और फिजियोलॉजिकल में बात करते हैं तो एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रखा है तो फिजियोलॉजिकल में आएगा, तो यूरिन का कलर पेल येलो नहीं रहेगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई, एक यूरिन कलरलेस है जब यूरिन के इतने सारे कलर हैं, वेरी गुड, गुड, फेयर, लाइट, डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, वेरी डिहाइड्रेटेड, सीवियर डिहाइड्रेटेड, ये सारे अलग ही दिख रहे हैं कलर, कैसे कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब सेकंड आया डीप अम्बर कलर, ये कैसे हो सकता है, डीप अम्बर कलर है यूरिन का तो क्या कंडीशन हो सकती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, गुड मस्कुलर एक्सरसाइज, या तो पे जिसका डीप अम्बर कलर का यूरिन पास आउट हो रहा है, या तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, मस्कुलर एक्सरसाइज की है उसने, तब ऐसा आ सकता है, या किडनी और लीवर डिजीज है, या उस बंदे को किडनी की बीमारी है, गुर्दे की या कृत की बीमारी है, जब ऐसा कलर हो सकता है। हाई ग्रेड फीवर है, बहुत तेज़ बुखार है, या डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेटेड मतलब यूरिन कंसंट्रेट हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, बॉडी में पानी की कमी हो गई है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आएगा। अब थर्ड नंबर है ऑरेंज कलर है यूरिन का, तब क्या होगा, इंक्रीज यूरोबिलिन वजन, पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये, इंक्रीज यूरोबिलिन वजन, यूरोबिलिन बढ़ गया है, तब ऑरेंज कलर होगा यूरिन में। पोर्फोबिलिन वजन अगर प्रेजेंट है, पोर्फोबिलिन वजन यूरिन में, तब भी ऑरेंज कलर होगा। कंसंट्रेटेड यूरिन है तब भी ऑरेंज कलर हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन है मतलब पानी कम पिया है तो कंसंट्रेट हो जाएगी यूरिन, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आएगा। इनटेक विटामिन बी, विटामिन B12 और विटामिन ए, अगर पेशेंट ने विटामिन ए लिया है या विटामिन B12 लिया है तो उसका भी कलर ऑरेंज कलर हो जाएगा, तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आएगी। पैथोलॉजिकल कंडीशन में बाइल डक्ट या लीवर डिजीज है उसे, बाइल डक्ट में कॉमन हो गया, राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई उसमें प्रॉब्लम है डक्ट में, या लीवर की कोई डिजीज़ है, तब भी ऑरेंज कलर होगा यूरिन का, ठीक है, यूरिन का ऑरेंज कलर। ये होगा कलर
ट्रांसपेरेंट ब्राउनिश ऑरेंज पेल येलो पिंकिश रेड ट्रांसपेरेंट येलो ब्लू और ग्रीन डार्क येलो फोमी ये सारे कलर डिफरेंट कलर हैं यूरिन के। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की स्मोकी यूरिन। स्मोकी यूरिन है तब क्या होगा, स्मोकी कलर है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, कुछ मात्रा में यूरिन में ब्लड आ रहा होगा उस कंडीशन में स्मोकी यूरिन हो जाएगी, स्मोकी कलर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 एलिनिन डाई ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएंगे। अगर यूरिन का फिफ्थ कंडीशन है रेड कलर है तब क्या होगा, हिमेचूरिया पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कॉमन है ये, रेड कलर आता है तो हिमेचूरिया होगी। हिमेचूरिया कौन सी कंडीशन है, यूरिन में ब्लड आने लगता है लाल कलर की हो जाती है यूरिन, ठीक है, या हीमोग्लोबिन यूरिया होगी तब भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है रेड कलर आएगा। ब्राउन कलर सिक्स नंबर की बात करते हैं, ब्राउन कलर है यूरिन का तब क्या होगा कंडीशन, ड्यू टू बाइल यूरिन में या तो बाइल आ रहा होगा, लीवर एंड किडनी डिजीज हो सकती है पेशेंट को। अब सेवन्थ नंबर है मिल्की यूरिन आ रही है, मिल्की कलर की यूरिन है ड्यू टू पस, यूरिन में पस आ रहा होगा, पस सेल्स होंगी, पस होगा, किडनी डिजीज होगी तब मिल्की कलर आएगा। काइल यूरिया हो सकती है, काइल यूरिया में क्या होता है प्रेजेंस ऑफ काइल इन यूरिन, ठीक है, काइल प्रेजेंट हो जाता है यूरिन में तब भी मिल्की यूरिन आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, फैट आ सकता है यूरिन में, ठीक है। अब एट्थ नंबर की बात करेंगे कंडीशन की, कलर कलर की बात चल रही है वो, तो ग्रीन और ब्लैक यूरिन का कलर ब्लैक है या ग्रीन है तब क्या कंडीशन होगी, ड्यू टू पिट्रीफाइड सैंपल फिनॉल पॉइजनिंग एल कैप्टनूरिया। एल कैप्टनूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, इट इज़ ए वेरी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यह बहुत इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्लूड ब्रेकिंग डाउन टू प्रोटीन्स बाइंडिंग ब्लॉक कॉल्ड टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन, इट रिजल्ट इन ए बाइल्ड अप ऑफ ए केमिकल कॉल्ड हीमोजेनेटिक एसिड इन द बॉडी। ये एल्केप्टूरिया है, इससे क्या है वेरी रेयर कंडीशन में होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। मसल्स इंजरी हो गई है जब भी यूरिन का कलर ब्लैक आ सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे येलो कलर की, नाइन्थ कंसनट्रेटेड यूरिन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगी क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है, फ्लूड की कमी हो गई है बॉडी में, ठीक है, तब येलो कलर आएगा। फीवर हो गया है, एंटीबायोटिक ले लिए तब भी यूरिन का कलर येलो आएगा। लीवर डिजीज है, यकृत की बीमारी है। अब बात आती है टेंथ कलर है डार्क येलो, डार्क येलो आ रहा है यूरिन का कलर तब क्या हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की अगर प्रेजेंट मात्रा है, उपस्थित है बिलिरुबिन यूरिन में, पेशाब में बिलिरुबिन उपस्थित है तब यूरिन का कलर डार्क येलो होगा। तो बिलिरुबिन कब आता है, जॉइंटिस के पेशेंट में पी लिया है किसी मरीज को तो यूरिन का कलर डार्क येलो गहरा पीले रंग का होगा, पीले वाले मरीज का पेशाब का रंग। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, यूरिन के वॉल्यूम से कैसे पता कर सकते हैं क्या 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 कंडीशन हो सकती हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट क्या होता है 24 आवर का 700 to 2500 ml, मतलब 700 से 2500 ml यूरिन, एवरेज लगभग 1200 ml यूरिन ऑफ पास इस पास दिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर 1200 ml के करीब यूरिन पास आउट होना ही चाहिए, 700 से 2500 की नॉर्मल रेंज है 24 घंटे के अंदर। यूरिन का वॉल्यूम है ये 700 से 2500 ml 24 घंटे में पास आउट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन है वॉल्यूम में नॉक्ट्यूरिया, नॉक्ट्यूरिया इज द पास्ट इन एक्सेस ऑफ 500 ml यूरिन ड्यूरिंग नाइट। नॉक्ट्यूरिया में क्या है, अगर यूरिन
एक रात में 500 ml से ज़्यादा पास आउट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। दिस इज ए साइन ऑफ अर्ली रीनल फेलियर। यह क्या है, किसका साइन है? अर्ली रीनल फेलियर, किडनी फेलियर का ये साइन होता है, ज़्यादा यूरिन पास आउट होना। रात के अंदर 500 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट होगी तो अर्ली रीनल फेलियर कंडीशन में आ सकता है। सेकंड कंडीशन है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या है, पॉलीयूरिया व्हेन इज एक्सेस ऑफ यूरिन इज पास्ड इन 24 आवर मोर देन 2500 ml। पॉलीयूरिया वह कंडीशन है जिसमें यूरिन 24 घंटे में 2500 ml से ज़्यादा पास आउट होता है। कंडीशन क्या क्या हो सकती है इसकी, पॉलीयूरिया कैन बी फिजियोलॉजिकल ड्यू टू एक्सेस वाटर इंटेक, मे बी सीजनल विंटर। मान लो ठंडों के दिनों में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, सीजनल होती है ये, ठंडों में यूरिन पास आउट ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा ले लिया, वाटर इनटेक ज़्यादा है तो स्वेटिंग होती नहीं है सर्दियों में, तो उससे से निकलेगा यूरिन, यूरिन से निकलेगा वाटर, पास आउट हो गए तो पॉलीयूरिया में आ जाएगा। 2500 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो सकता है 24 घंटे के अंदर, तो इस कंडीशन को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन की। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या, डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज मिलाइटस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, पुरानी किडनी डिजीज है, किडनी फेलियर है पेशेंट, या शुगर का मरीज है, तब उसे 2500 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी पॉलीयूरिया की। थर्ड है कंडीशन ओलिगयूरिया। ओलिगयूरिया में क्या है, व्हेन लेस देन 500 यूरिन ऑफ इज पास्ड इन 24 आवर। ओलिगयूरिया में क्या है, 500 ml से भी कम यूरिन पास आउट होगी 24 घंटे में, उस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगयूरिया। ठीक है, 24 घंटे में 500 ml से भी यूरिन कम पास आउट होगी तब ओलिगयूरिया में आएगा वो। इट कैन बी ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन, रीनल इशीमिया। ठीक है, ये कब हो सकती है, या तो वाटर इनटेक कम कर रहा है पेशेंट, जो भी है पेशेंट वाटर को कम ले रहा है, पानी कम ले रहा है, या फ्लूइड डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन हो गया है उसे, ठीक है, वोमिट हो गया हो, लूज मोशन हो गया हो, तो उससे उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ओलिगुरिया में आ सकता है, या रीनल इशीमिया। रीनल इशीमिया या नेफ्रॉन में, किडनी में या नेफ्रॉन में खून की कमी आ जाती है, उस कंडीशन को रीनल इशीमिया कहते हैं। ठीक है, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये नेफ्रॉन की इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तब ओलिगुरिया हो सकती है। अब फोर्थ नंबर है एन्यूरिया। एन्यूरिया में क्या होगा, वैन देयर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन लेस देन 150 ml इन 24 आवर, या तो बहुत कम यूरिन आ रहा है 150 ml से भी कम, 24 घंटे के अंदर यूरिन 150 ml से भी कम आ रहा है, या और कम आ रहा है, कम्प्लीटली सप्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को एन्यूरिया बोलते हैं। इट कैन बी ड्यू टू रीनल स्टोन। ये कब कब हो सकता है, किडनी में पतली हो, या किडनी में गांठ बनी हो, ट्यूमर हो गया हो, रीनल इशीमिया हो गया हो, या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया हो, किडनी की जो नली होती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ट्यूब होती है, उसमें नेक्रोसिस हो गया हो, ख़राब होने लगी हो ट्यूब, उस कंडीशन में भी एन्यूरिया हो सकता है। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं स्टोन फंस गई हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, एन्यूरिया की कंडीशन हो सकती है। ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन थी, ठीक है, क्योंकि 150 ml से भी यूरिन कम आ रहा है 24 घंटे के अंदर, या तो पतली हो सकती है, या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, रीनल इशीमिया, ट्यूमर्स, ये सारे कंडीशन आ गए एन्यूरिया में। अब हम बात करते हैं अगला स्टेप ऑर्डर, स्मेल के बारे में, यूरिन की स्मेल से कैसे पता कर सकते हैं क्या क्या
डिजीज हो सकती हैं पेशेंट के लिए। नॉर्मल यूरिन हैज फैंट एरोमेटिक ऑडर, फैंट एरोमेटिक स्मेल होती है उसकी यूरिन की, ठीक है, नॉर्मली। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। फिसी यूरिन, अब फिसी आ रही है यूरिन की जो स्मेल है, फिसी आ रही है फिसी, तब क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, यूटीआई हो सकता है विद प्रोटियस एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, या प्रोटियस बैक्टीरिया हो सकता है उसमें, या और कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकते हैं यूरिन में, तब यूरिन की स्मेल क्या होगी, फिसी आएगी। सेकेंड है पुटर्ड, प्यूटर्ड यूरिन कब हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में प्यूटर्ड स्मेल हो सकते हैं। फ्रूटी स्मेल कब हो सकती है यूरिन की, कीटो एसिडोसिस हो गया है यूरिन में, कीटोन बॉडीज आ रही हैं, तब क्या हो सकता है, फ्रूटी स्मेल होगी यूरिन की। फोर्थ है माउसी, जैसे चूहा एक्सपायर हो गया हो उस तरह से स्मेल आएगी, तो कैसी होगी, फिनाइल कीटोन यूरिया, जैसे उसमें फिनाइल कीटोन यूरिया अगर होगी यूरिन में प्रेजेंट होगी, तब क्या होगा, मौसी स्मेल होगी यूरिन की। अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में, पीएच क्या क्या हो सकता है यूरिन का। नॉर्मल यूरिन स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स पीएच रेंज फ्रॉम 4.6 to 7, एवरेज 6। स्लाइटली एसिडिक हो सकती है यूरिन, एल्कलाइन नहीं होगी, एसिडिक होगी पीएच, ठीक है, यूरिन का एवरेज 6 और 4.6 से 7 तक इसका नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का। इससे ज़्यादा है तब क्या हो सकता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बात करते हैं, एसिडिक यूरिन ने मान लो तो क्या क्या हो सकता है, यूरिन इज ड्यू टू द फॉलोइंग, हाई प्रोटीन इंटेक, मीट, ज़्यादा एसिडिक यूरिन है तो क्या हो सकता है, या तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लिया है पेशेंट ने, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ली है, मीट ज़्यादा लिया है, इंजेशन ऑफ एसिडिक फ्रूट ज़्यादा लिए हैं, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाय ई कोलाई, एसिटिलिसिया कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है, तब एसिडिक यूरिन हो सकती है, डायबिटिक हो सकता है पेशेंट, डायरिया भी हो सकती है। तो ये रिएजेंट, ये स्ट्रिप आती है पीएच की, तो इससे हम पता कर सकते हैं इसका पीएच कितना हो सकता है। अब बात करते हैं एल्कलाइन यूरिन, अगर यूरिन का पीएच एल्कलाइन है तब क्या होगा, क्या क्या कंडीशन होंगे, सिट्रस फ्रूट्स ले रखे होंगे या तो, या वेजिटेबल्स ज़्यादा लिए होंगे, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, यूटीआई विद प्रोटियस, सुडोमोनास, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, सुडोमोनास बैक्टीरिया का या प्रोटियस बैक्टीरिया का, किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप की, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ वेट, यह एक रेशियो है वजन का, ऑफ 1 ml वॉल्यूम, 1 ml वॉल्यूम ऑफ यूरिन, 1 ml यूरिन होगा, ठीक है, वॉल्यूम टू डेट ऑफ वेट, और उसका वेट 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, उससे हम कंपेयर करेंगे 1 ml यूरिन का वेट और 1 ml डिस्टिल्ड वाटर का वेट वॉल्यूम। इट्स डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, और ये किस पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसंट्रेशन पे, किसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है पार्ट, कौन सी यूरिन में और डिस्टिल्ड वाटर में कितने सॉल्यूट हैं या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट इन द यूरिन, ठीक है, इसके ऊपर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट पावर ऑफ द किडनी, ठीक है, मेजर ऑफ कंसंट्रेशन एबिलिटी ऑफ किडनी एंड डिटरमाइन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्यूबुलर फंक्शन, इट कैन बी मेजर्ड बाय यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और रेजेंट स्ट्रिप। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस से मेजर कर सकते हैं, यूरिनोमीटर आता है, रिफ्रैक्टोमीटर आता है और रेजेंट स्ट्रिप भी आती हैं इसकी, इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.016 to 1.022 in 24 hour सैंपल,
घंटे के सैंपल में हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल कितनी होती है? 1.016 से 1.022 चौबीस घंटे के सैंपल की यूरिन सैंपल की ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज इज सॉल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब इंक्रीज होगी, जब ज़्यादा बढ़ेगी, जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तब स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज है सॉल्यूट कंसेंट्रेशन डिक्रीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब डिक्रीज होगी, जब कम होगी, जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें हम एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं। इसमें क्या है, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्योंकि इसमें सॉल्यूट क्या है, इंक्रीज है, ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल्स देख सकते हैं आप। तो मोर सॉल्यूट इंक्रीज ग्रेविटी, ये क्या है, जितने सॉल्यूट कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा होगी उतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेस सॉल्यूट, इसमें कम है सॉल्यूट, पार्टिकल्स कम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डाउन हो रही है, कम हो रही है क्योंकि इसमें सॉल्यूट हैं जो पार्टिकल्स हैं वो लेस हैं, कम हैं। अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट ज़्यादा हैं तो स्पेसिफिक इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स कम हैं, सॉल्यूट कम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी। ठीक, अब इसकी हम डिटेक्शन कैसे करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का? पहली बात कर रहे हैं यूरोमीटर, यूरिनोमीटर से कैसे होगा प्रोसीजर। फिल यूरिनोमीटर कंटेनर 3/4 विद यूरिन। यूरिनोमीटर आता है, उसका कंटेनर होता है, उसको हम क्या लेंगे, 3/4 पार्ट उसको भर लेंगे यूरिन से, फिल करेंगे। इंसर्ट यूरिनोमीटर इनटू सो दैट इट फॉलोड इन यूरिन विदाउट टचिंग द वॉल एंड बॉटम ऑफ कंटेनर। यूरिनोमीटर के कंटेनर में हम यूरिन भरेंगे और उसमें ऐसे रखेंगे यूरिनोमीटर को, उसमें फ्लोट कराएंगे, तैरेगा उस पर, और ऐसे कराएंगे कि उसकी कोई जो वॉल है उस पर टच ना हो कंटेनर पर। ठीक है, देन रीड द ग्रेजुएशन ऑन द आर्म ऑफ यूरिनोमीटर एट लोअर यूनरी मेनिस्कस। और हम उसको रीड करेंगे, जो ग्रेजुएशन होगा उसमें स्केल बना होता है, उसको हम लोअर यूनरी मेनिस्कस से, जहाँ उसका मीटर्स पे स्केल पे दिखेगा उस पर पॉइंट मेजर कर लेंगे। तो ये इस पर ये देख सकते हैं हम, डिस्टिल वाटर अलग रखा है, यूरिन अलग रखा है, यूरिन सैंपल इसमें डालेंगे, ये जो यूरिनोमीटर का जो कंटेनर है, और उसमें ये ब्लैक सा है ये पड़ा है यूरिनोमीटर, इसको हम फ्लोट करा देंगे और इसमें जो ग्रेजुएशन है ऊपर जो स्केल है उसको हम रीड कर लेंगे। ठीक है, उससे स्पेसिफिक इजीली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से कैसे करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटेक्शन? इट मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यूरिन। दिस प्रोसीजर रिक्वायर ओनली ए फ्यू ड्रॉप। इसमें क्या है, इस प्रोसेस में बहुत कम, एक दो बूंदों से ही काम चल जाता है और इस वजह से ग्रेविटी पता कर सकते हैं। और यूरिन इज कॉन्ट्रास्ट टू यूरिनोमीटर वेयर अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड। और यूरिनोमीटर से अभी कर रहे थे तो उसमें 100 ml यूरिन के करीब ज़रूरत पड़ रही थी, और इसमें क्या है, एक दो बूंद ही चाहिए बस, 100 μl में हो जाएगा, उसमें 100 ml की ज़रूरत थी यूरिनोमीटर में। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर में एक दो ड्रॉप से काम चल जाएगा। ये है रिफ्रैक्टोमीटर, इसमें एक देखो यूरिन इंसर्ट का वो दिखा रहा है ऑप्शन बीच में, इसमें रखेंगे यूरिन की, एक दो ड्रॉप डालेंगे और रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट स्टेप है लीजेंट स्टिम मेथड। ये कॉमन मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। दिस मेथड एम्प्लाई द यूज फॉर केमिकल स्ट्रिप लीजेंट स्ट्रिप। इसमें एम्प्लाई क्या करते हैं, केमिकल लीजेंट स्ट्रिप को
यूज करते हैं। इसमें क्या है, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.002 1.030। इस स्टेप में क्या है, वन ड्रॉप डाला रेजेंट स्टेप पे यूरिन, और कलर चेंज हो जाता है और उस पर स्केल आता है कलर, और मैच कर लीजिए कितना कैसा कलर आया उसी हिसाब से उस पर लिखाई होती है रीडिंग की, कितने कलर में कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है उस हिसाब से डिटेक्ट करके दे सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर स्पेसिफिक कम आ रही है नॉर्मल से तब क्या हो सकता है, हाइपो स्थेनयूरिया, यूरिन अकर्स इन एक्सेसिव वाटर इंटेक, या तो एक्स्ट्रा वाटर ले रखा है, या डायबिटीज इंसिपीडस है। अब दूसरी कंडीशन है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइपर स्थेनयूरिया, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर स्थेनयूरिया। अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है, तब यूरिन इज सीन इन डिहाइड्रेशन, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, या एल्बुमिनूरिया, यूरिन में एल्बुमिन आ रही है तब स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी। थर्ड कंडीशन है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है फीवर, फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी कब होगी, जब यूरिन में ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 होगी, तब उस कंडीशन को बोलेंगे फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी FSG। कब हो सकती है ये, ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, कम हो गया ADH, तब फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है, या क्रोनिक नेफ्राइटिस, पुराना नेफ्रॉन की बीमारी हो सकती है, उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये रीजेंट स्टेप टेस्ट के बारे में हमने दिखाया है, इसमें लीकोसाइड, नाइट्रेट, यूरोबिलिनोजन प्रोटीन, pH, ब्लड स्पेसिफिक ग्रेविटी, कीटोन बॉडीज, ब्लोरोबिन, ग्लूकोज, इतने पैरामीटर एक ही स्टेप में दे रखे हैं, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, बहुत सिंपल मेथड है। इससे स्टेप को डिप किया यूरिन में और रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे पैरामीटर हैं एक ही यूरिन स्ट्रिप में, और यूरिन को डाल के कलर मैच करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। तो आपने आज देखा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, उसमें देखा कलर क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है यूरिन का, स्मेल क्या हो सकती है, और pH, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सारे टॉपिक पे बात की थी। वीडियो पसंद आया, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।